हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मार्गदर्शन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बोर्ड से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बोर्ड से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले इसी चैनल पर अपडेट होता है। दोस्तों, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि बोर्ड परीक्षा 2019 में कौन सा मुख्य तीन नियम बदला हुआ है। दोस्तों, ये परीक्षा देने से पहले अवश्य जान लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर पुस्तिकाओं पर छात्र छात्राओं का विवरण प्रिंट दिया रहेगा, यानी आप लोग का जो उत्तर पुस्तिकाओं का पर छात्र छात्राओं का विवरण यानी प्रिंट रहेगा। इसके साथ ही बता दें कि मैट्रिक और इंटर 2019 की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका पर उत्तर पुस्तिका पर अब अन्य छात्रों को अपना विवरण नहीं भरना पड़ेगा। यानी इस बार जो दोस्तों इस बार जो हुआ है, इस बार जो मैट्रिक और इंटर 2019 की परीक्षा में जो होगा उसमें उत्तर पुस्तिकाओं पर अन्य छात्रों का अपना विवरण नहीं भरना पड़ेगा। इसके साथ ही बता दें कि उत्तर पुस्तिका पर रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम आदि सारा कुछ अन्य बिहार बोर्ड ही प्रिंट करके देगा। यानी इस बार जो दोस्तों 2019 में परीक्षा होगा उसमें सभी पुस्तिकाओं पर छात्र का रोल नंबर, रोल कोड और रजिस्ट्रेशन नंबर आदि सारा अब बिहार बोर्ड ही प्रिंट करके देगा। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस वार्ता में शनिवार को दी। उन्होंने कहा कि 2018 को उत्तर पुस्तिकाओं भरने के पैटर्न में बदलाव किया गया। यानी पहले क्या होता था, उत्तर पुस्तिका में बहुत से छात्र यानी गलत कर देते थे, इसीलिए बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने शनिवार को कहा कि उन्होंने 2018 की उत्तर पुस्तिकाओं भरने के पैटर्न में बदलाव किया गया है। पिछले साल छात्रों की विवरणी भरने के लिए गोला दिया गया था, लेकिन इस बार सारा कुछ बोर्ड की तरफ से ही प्रिंट होकर जाएगा। छात्रों की सारी जानकारी बोर्ड भरकर भेजेगा। मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों को केवल उत्तर पुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ठ पर हस्ताक्षर करनी होगी। इसके अलावा प्रश्न पत्र के सेट का नाम और उत्तर देने के भाषा की जानकारी देनी, यानी आप लोगों को कुछ नहीं भरना है, सिर्फ इसके अलावा प्रश्न पत्र का सेट कोड का नाम डालना है और उत्तर देने वाले भाषा की जानकारी देनी होगी। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि 2018 की परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के ऊपर पृष्ठ यानी उत्तर पुस्तिकाओं के ऊपर पृष्ठ पर बाला भरने के कारण रिजल्ट पेंडिंग हो गया था। यानी पृष्ठ पर गलत जो गोला भरने के कारण रिजल्ट पेंडिंग हो गया था। ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों ने गोला छोड़ दिया था, गलत जानकारी भर दी थी। इस कारण 2019 की परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं पर छात्र पूरा विवरण बोर्ड कहीं कर भेजेंगे। इस सिस्टम को करने वाला बिहार बोर्ड देश का पहला बोर्ड है जहां पर छात्रों की सुविधा के लिए यह किया जा रहा है। यानी दोस्तों, इस बार जो एग्ज़ाम होगा आपका जो OMR सीट रहेगा दोस्तों, उस पर उत्तर पुस्तिकाओं पर आपको कुछ नहीं भरना है, सिर्फ प्रश्न पत्र का सेट का नाम और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र का सेट का नाम और उत्तर देने वाली भाषा की जानकारी, यानी आप लोग इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में उत्तर देंगे। इस बस ये दो आपको भरना है और सब बिहार बोर्ड की तरफ से ही आएगा, जैसे रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका हो गया, फिर आदि सारा बिहार बोर्ड ही प्रिंट करके आपके मार्कशीट पर देगा। तो दोस्तों, एक बार फिर बता दें कि जो 2019 में परीक्षा होगा उसका जो उत्तर पुस्तिकाओं का जो प्रिंट होगा दोस्तों, उस पर बिहार बोर्ड ही रोल नंबर और रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि सारा कुछ बिहार बोर्ड ही आपको प्रिंट करके दे देगा। सिर्फ दोस्तों आप लोगों को भरना है जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा उसका सेट का नाम, देखिए दोस्तों लिखा हुआ है सेट का नाम और उत्तर देने वाली भाषा की जानकारी, आप हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से। इसके साथ ही दोस्तों बता दें कि इंटर और मैट्रिक 2019 की परीक्षा में नया नियम लागू होगा, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है। इसके साथ ही छात्रों को हस्ताक्षर, सेट का नाम व भाषा की जानकारी भरनी होगी। यानी दोस्तों आपको सिर्फ तीन काम इस बार करना है बोर्ड परीक्षा 2019 में, इसके अलावा सब बिहार बोर्ड ही प्रिंट करके दे देगा। यानी आपको अपना हस्ताक्षर करना है, हस्ताक्षर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा उस सेट का नाम लिख दीजिएगा और वह भाषा की जानकारी, आप यानी हिंदी से है या इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी भाषा की जानकारी, ये तीन आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा में भरने का। इसके साथ ही दोस्तों बता दें कि 28 नवंबर को जारी होगा डमी एडमिट कार्ड। बोर्ड ने इंटर परीक्षार्थियों के लिए दोबारा डमी एडमिट कार्ड जारी किया है। डमी एडमिट कार्ड 28 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच जारी किया जाएगा। इस बीच कॉलेज और स्कूल प्रशासन एडमिट कार्ड पर कोड तुष्टि हुए उसे सुधार कर सके। यानी दोस्तों 28 नवंबर को आपका डमी एडमिट कार्ड जारी होगा, जैसे ही जारी होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा।
इसके साथ ही बोर्ड ने बताया कि दोबारा डमी एडमिट कार्ड जारी किया है, इसी 28 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच जारी कर दिया जाएगा। इस बीच कॉलेज और स्कूल प्रशासन एडमिट कार्ड पर कोई त्रुटि हो तो उसे सुधार यानी आप सुधार कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये भी नियम लागू हुआ है कि मैट्रिक की परीक्षा में 10 सेट में होंगे प्रश्न, जबकि दोस्तों इंटर का क्या था 8 सेट में। तो फरवरी 2019 में होने वाले इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में प्रश्न पत्र के 10 सेट होंगे। इससे पहले कंपार्टमेंटल परीक्षा 2018 में प्रश्न पत्र के 10 सेट दिए गए थे। इस सेट पर ए बी सी डी एफ जी एफ आई और जे होगा, यानी ए से लेके जे तक होगा, ए बी सी डी एफ जी एच जे जे तक होगा। इसके साथ ही बता दें कि सभी छात्र को उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र का सेट लिखना अनिवार्य है। सेट का नाम नहीं लिखेंगे तो अंक आना संभव नहीं, अंक कम आने की संभावना होगी। यानी जब तक आप प्रश्न पत्र का सेट का नाम नहीं लिखेगा तो आपका जो बोर्ड परीक्षा में अंक मिलेगा यानी मार्क्स वह कम आने की संभावना है, इसीलिए आपको प्रश्न पत्र का सेट अवश्य लिख देना है। यानी ए से लेके जे तक आपका प्रश्न पत्र का 10 सेट होंगे, आपका ए बी प्रश्न सेम रहेंगे, आपका अलग अलग प्रश्न, जैसे एक नंबर में आपका प्रश्न है तो उसी विद्यार्थी का यही प्रश्न 10 नंबर में होगा। इसके साथ ही बता दें कि समय की बचत और गलतियां नहीं होगी। इस बार अभी तक परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले प्रश्नों को पढ़ने और समझने के लिए समय दिए जाते थे, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं को भरने के लिए अब कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग को अब अतिरिक्त समय 15 मिनट का नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड प्रिंट करके ही देगा रोल कोड रोल नंबर सब कुछ। सिर्फ आपको अपना हस्ताक्षर करना है और प्रश्न पत्र का सेट का नाम लिखना है, और इसके साथ ही अपना भाषा की जानकारी देना है, आप हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से। तो समय की गलतियाँ कम होगी, यानी अब समय 15 मिनट अतिरिक्त नहीं जाए। कुल रजिस्ट्रेशन इस बार हुआ है 14,09,000, मैट्रिक में 546, और परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्र 16,60,724 है। इंटर में कुल रजिस्ट्रेशन 10,34,600 हुआ है, और इसमें परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्र 13,15,000 है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और बिहार बोर्ड से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बोर्ड से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले इसी चैनल पर अपडेट होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के भी साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे आपको आपके दोस्तों को भी पता चल जाएगा कि बोर्ड परीक्षा 2019 में कौन सा नियम लागू हुआ है।